नमस्कार। 2 तारीख को भारत बंद हुआ। ये भारत बंद दलित समाज की तरफ से हुआ था। वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट है, उसमें जो बदलाव किए उसके खिलाफ ये बंद था। लेकिन इस बंद ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। हिंसा कैसे हुई? दोपहर 12 बजे तक तो बिल्कुल नहीं हुई। शांतिपूर्वक तरीके से जगह जगह पर अलग अलग शहरों में भारत बंद के प्रदर्शन होते रहे। 12 बजे के बाद से हिंसा होनी शुरू हुई और ऐसी हिंसा हुई कि जिसमें गोलियां तक चली। अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन लोगों के पास हथियार होते हैं, अगर उनका कास्ट प्रोफाइल किया जाए तो ऐसी कौन सी कास्ट है, कौन सी जाति है जिसके पास किस किस तरह के हथियार होते हैं? डंडा, लोहा, सरिया वगैरह, ये तो आम होते हैं। लेकिन दुनाली बंदूकें, सिंगल बैरल बंदूकें, रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, ये इस तरह के हथियार जो होते हैं, एक कास्ट प्रोफाइल कर लिया जाए, जैसे हम मर्दमशुमारी करते हैं, जनगणना करते हैं, हम सेंसस करते हैं, कास्ट सेंसस की फिगर्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, जातिवादी जो जनगणना हुई है जाति के आधार पर। उत्तर प्रदेश के एडिशनल DG पुलिस है, डायरेक्टर जनरल पुलिस है आनंद कुमार, लॉ एंड ऑर्डर के, उनका ये मानना है कि प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी हुई है, शुरुआती जाँच जो हुई है, उसमें ये पाया गया है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू कास्ट्स अदर देन दलित्स गॉट मिक्स्ड विद प्रोटेस्टर्स, कि ऐसे अपराधी लोग जो दलित नहीं थे वो दलितों की भीड़ में घुस गए, वो शामिल हो गए, और वही लोग थे जो हिंसा में शामिल थे। ये आनंद कुमार का कहना है, उत्तर प्रदेश के DG पुलिस है। और मुजफ्फरनगर में उनका जिक्र था, ये वेयर वन पर्सन वॉज किल्ड ड्यूरिंग मंडेज भारत बंद। आनंद कुमार ने यह भी बताया, इंडियन एक्सप्रेस को बताया, वी डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड वायलेंस अक्रॉस स्टेट यस्टरडे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई है उसके पीछे कोई साजिश हो, षड्यंत्र हो, हम इसकी संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं। इन मुजफ्फरनगर वी हैव एविडेंस टू प्रूव दैट एंटी सोशल एलिमेंट्स विद क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम गॉट मिक्स विद प्रोटेस्टर्स एंड इंडल्ज्ड इन वायलेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि मुजफ्फरनगर में तो हमारे पास सबूत भी हैं कि ऐसे लोग जो दलित नहीं थे, ऊंची जाति से थे या किसी और जाति से थे, वो भी शामिल हो गए थे दंगों में। हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं और जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। 2 अप्रैल जिस दिन ये सब हुआ, BSP का MLA योगेश वर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया। वो मेरठ में हिंसा भड़का रहा था, वो BSP का MLA था वो, और उसकी जो बीवी है सुनीता वर्मा, वो मेयर है मेरठ की, वो कह रही थी कि उनके जो पति हैं वो इनोसेंट हैं। पुलिस के मुताबिक 550 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, गाज़ियाबाद, आगरा, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और 125 FIR भी लॉन्च की गई हैं, दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, कम से कम 8 लोग हिंसा में मारे गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 8 लोग तो नहीं, मध्य प्रदेश में 2 भिंड के ज़िले में मारे गए और 3 ग्वालियर के ज़िले में मारे गए। उसके अलावा 2 राजस्थान के अलवर में, 2 उत्तर प्रदेश में। जो ग्वालियर में जो लोग मारे गए थे, राकेश जाटव 40 साल का था, राकेश जाटव जो 40 साल का था वो डेली वेज वर्कर था, दिहाड़ी का मजदूर था, वो दिहाड़ी पे काम करता था, जो रोज़ सुबह कुम्हारपुरा लेबर इंटरसेक्शन जो है वहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वहाँ जाया करता था काम की तलाश में। जैसे आपने देखा होगा आपके शहर में भी, हमारे शहरों में भी सुबह सुबह दिहाड़ी के मजदूर ये रंग रोगन की दुकानों पर और जगह पर जाकर बैठ जाते हैं ताकि उस दिन की दिहाड़ी उन्हें मिल जाए। 40 साल का राकेश जाटव। दीपक 22 साल, उम्र 22 साल, उसके जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा था कि करीब 100-125 अपर कास्ट मैन, ऊंची जाति के लोग अगड़े उनके मोहल्ले में घुस आए, गल्ला कोठार नाम का मोहल्ला है, और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पर भी बंदूक का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल हुआ, किसी डंडे, लाठी, सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ। और दीपक के भाई का कहना है कि पुलिस ने टीयर गैस शेल छोड़े थे तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं अपने भाई को ले गया और अस्पताल ले गया, वहाँ उन्होंने मना कर दिया उसको दाखिल करने से। विमल प्रकाश, उम्र 26 साल, उसको भी एक गोली लगी जब वो अपने गांव वापस आ रहा था, डाबरा में क्लासेस अटेंड करके, ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर है डाबरा। तीनों दलित जो थे
वो गोलियों के शिकार हुए और गोली उनकी छाती में लगी, उनके सीने में लगी। बहरहाल ये मध्य प्रदेश की बात है। कहने का मतलब ये कि भारत बंद का सबसे ज़्यादा असर जो था वो उत्तर भारत में हुआ, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ की सरकारें इस वक्त बहुत दबाव में हैं, क्योंकि कुछ दिखाने को है नहीं इनके पास। सरकारी जो हमारे खर्चे पर, हमारे टैक्स के खर्चे पर इनके विज्ञापन आते हैं, इनकी फिल्में चलती हैं। महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद हीरो बनकर गाना गा रहे थे, बता रहे थे कि महाराष्ट्र में कितनी खुशहाली आई है वगैरह। तो आरएसएस और बीजेपी अब वापस उसी रास्ते पर लौट रहे हैं जो उन्हें अच्छी तरह आता है, क्योंकि पिछले 4 साल में दिखाने को कुछ नहीं है प्रधान सेवक मोदी की सरकार के पास। ना स्मार्ट सिटीज़ हैं, ना स्किल इंडिया है, ना मेक इन इंडिया है, ना बुलेट ट्रेन है, ना 2 करोड़ नौकरियां हैं। उल्टे नोटबंदी से इतना भारी नुकसान हुआ है, अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। GST बिना सोचे समझे या कम सोच कर लागू कर दिया गया है, उसके नुकसान हम देख रहे हैं। समय बहुत कम रह गया इन लोगों के पास, लिहाजा समाज में दरार डालना, फूट डालो, राज करो, जो राजनीति इन्हें आती है ये उसी की तरफ जा रहे हैं। अब ये राजनीति ऐसी जगह पे करना तो आसान है जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हो, मुसलमान ज़्यादा रहते हो, वहाँ दंगे भड़काना आसान है। लेकिन यहाँ पर बड़ी भारी एक समस्या है जो गैर मुस्लिम इलाके हैं, कि कहने को तो ये दलित नहीं कहते हैं, ये सबको हिंदू बताते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, ठीक है, पारसी और बाकी सबको हिंदू बताते हैं। लेकिन हिंदू ही में ये जो भारत बंद हुआ ये देखने में आया कि दलित वर्सेस नॉन दलित हुआ। अब ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो एंगल है हमारे पूरे उसमें, उनको साथ लेना चाहते हैं। बाकी अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, अच्छी संख्या में हैं, वहाँ इनके लिए ज़्यादा आसान है दंगे करवाना। मध्य प्रदेश में देखिए सिर्फ 6.9% मुसलमान है, वहाँ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे नहीं करवा सकते थे। राजस्थान में सिर्फ 9% मुसलमान है, वहाँ पर भी नहीं करवा सकते थे। लेकिन इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, बिहार में 16.5% मुसलमान है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी अधिक हैं, ज़्यादा हैं ये इसके बिहार और यूपी के मुकाबले। लिहाजा भारत बंद जो 12 बजे तक दोपहर के एकदम शांतिपूर्ण था, बाद में हिंसक हो गया, उसमें गोलियां चली। जैसे मैंने पहले कहा कि एक कास्ट प्रोफाइल भी हो सकती है कि गोलियों वाले हथियार किस जाति के पास ज़्यादा होते हैं। तो अभी तो भारत बंद ये शुरुआत है, समय बहुत कम है, हमें ये सावधान रहना है कि आने वाले महीनों में पूरे बहुत बड़े व्यापक स्तर पर देश में दंगे ना हों, ना जातिवाद के नाम पर हो और ना ही धर्म के नाम पर हो, वरना ऐसी कोशिशें ज़रूर हो सकती हैं। हिंदी के एक कवि हुए हैं सुदामा पांडे, धूमिल के नाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं जो आज भी लोगों को जोश दिलाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी एक कविता है, कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे देश की संसद मौन है, लेकिन हंगामा करती है, चर्चा नहीं करती जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई, जिस बात के लिए वो बनाई गई। और सिर्फ संसद ही मौन नहीं है, हमारे प्रधान सेवक भी मौन हैं, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार मौन चल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया करते थे मौन मोहन सिंह कह के, लेकिन खुद बहुत दिनों से खुद मौन है, और ऐसे ऐसे मुद्दों पर मौन हैं जिन पर उनके मुखारविंद से अगर कुछ बातें निकलें तो हम सुनना पसंद करेंगे। अब आप देखिए, बजट हमारा 36 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास हो गया, भारत का बजट, प्रधान सेवक मौन रहे। आप देखिए, पिछले 42 सालों में बाहर से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस आई, चंदे आए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, नया ये कानून बन गया, लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन हमारे प्रधान सेवक इस पर भी मौन हैं। आप आगे देखिए, लोकसभा में पिछले करीब 2 हफ्ते से 5 अविश्वास प्रस्ताव पड़े हुए हैं सरकार के खिलाफ,
कांग्रेस का है, टीडीपी का है, वाईएसआर कांग्रेस का है, सीपीएम का है, एक और पार्टी का भी है। 5 अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन स्पीकर चर्चा नहीं होने दे रही, क्योंकि वो कहती हैं कि जब तक सदन में शांति नहीं होगी, जब तक संसद मौन नहीं होगी, तब तक वो इन पर चर्चा नहीं कर सकती। कभी 1 मिनट सेशन चलता है एक दिन, दूसरे दिन 2 मिनट चलता है, तीसरे दिन 3 मिनट चलता है, 8 दिन में तो करीब 16 मिनट चला। ये सारे अविश्वास प्रस्ताव मौजूदा सरकार के खिलाफ है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही, मगर हमारे प्रधान सेवक मौन है, इसमें दखल नहीं दे रहे कि AIADMK जो शोर मचाती है, किसके कहने पर क्यों मचाती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनको समझा दें, कम से कम स्पीकर समझा दें। लेकिन स्पीकर संसद नहीं चलने दे रही, और उधर से प्रधानमंत्री प्रधान सेवक मौन है। जज लोया केस पर इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधान सेवक मौन है। उसके अलावा जुडिशियल क्राइसिस, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को जनता के सामने आना पड़ा, दुखी होकर आना पड़ा। फिर हमारे जो सेकंड मोस्ट जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस चेलामेश्वर, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी 22 जजों को, ये कहने के लिए कि सरकार और जुडिशरी के बीच का फासला रहना चाहिए। प्रधान सेवक मोदी ने जनवरी में कहा था दैट हिज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड स्टे आउट ऑफ द इश्यूज प्लेगिंग द कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी समस्याएं हैं सरकार को उससे दूर रहना चाहिए। आई कोट, उन्होंने ये कहा था, आई थिंक आई शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस डिबेट, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो स्टे अवे, द पोलिटिकल पार्टीज मस्ट ऑल्सो कीप ऑफ इट, कि मेरा ख्याल है कि मुझे इस वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, सरकार को भी दूर रहना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को भी दूर रहना चाहिए। बावजूद इसके जस्टिस चेलामेश्वर कह रहे हैं 22 जजों को चिट्ठी लिख के कि सरकार और जुडिशरी को फासला अलग रखना चाहिए, दूर से बात करनी चाहिए, फासला रखना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधान सेवक इस पर भी मौन हैं। आप आगे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी एकदम नाक के नीचे से भाग गए। मेहुल भाई, मालूम नहीं बात कहाँ तक पहुँची है, भारत सरकार विश्व की उभरती ताकत, 2 अपराधियों को वापस नहीं ला पा रही है, इससे पहले ललित मोदी, उससे पहले विजय माल्या, लेकिन प्रधान सेवक मौन है इस पर भी। लेकिन ये बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती, ICICI बैंक की भी अब बातें सामने आ रही हैं, जिस पर हमारे प्रधान सेवक फिलहाल मौन रहे 2 साल 1.5 साल। ये सारे कागजात उनके पास थे, अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। जब ये बात मीडिया में आई तो अब कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हमारे प्रधान सेवक मौन है। मैंने शुरू में कवि सुदामा पांडे धूमिल की कविता पढ़ी थी, उनसे माफ़ी मांगते हुए उसमें थोड़े से परिवर्तन करते हुए मैं ये बोलता हूँ, एक आदमी देश के लिए दौलत बनाता है, एक आदमी उस दौलत को खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना दौलत बनाता है ना दौलत को खाता है, वो सिर्फ इस दौलत से खेलता है, राजनीति के खेल खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का प्रधान सेवक मौन है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें, ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।